ऑलराइट गाइज, तो आज की इस वीडियो के अंदर गाइज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोग अबू सलीम की तरह ब्लर एंड फ्लैश इफेक्ट किस तरीके से डाल सकते हो अपनी वीडियो के अंदर। और गाइज इस वीडियो में ना आप लोगों को आज बहुत कुछ नया सीखने को मिलने वाला है, तो प्लीज इस वीडियो को विदाउट स्किप किए लास्ट तक देखना। एंड अगर आप लोगों को ये वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज हम इस चैनल पर रोज लेकर आते रहते हैं। चलिए गाइज हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं बिना किसी देरी के। ऑलराइट गाइज, तो यहाँ पर गाइज हम अपने कैपकट के अंदर आ चुके हैं, बिकॉज हम अपनी वीडियो को ना इस कैपकट एप्लीकेशन के अंदर करने वाले हैं। तो आप लोग भी सिंपली से कुछ इस तरीके से अपने कैपकट के अंदर आ जाना। आने के बाद कुछ ऐसे इंटरफेस देखने को मिलेगा गाइज, सिंपली से आप लोगों को इस प्लस वाले आइकन पे क्लिक करना है, ठीक है। जैसे ही करोगे आप लोगों के सामने आप लोगों की गैलरी पे जितने भी वीडियोज हैं वो आप लोगों के सामने दिख जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पर गाइज आप लोग जिस वीडियो को एडिट करना चाहते हो, मतलब जिस वीडियो पे आप लोगों वाला इफेक्ट डालना चाहते हो, उस वीडियो को यहाँ पे ले लेना। तो एग्जाम्पल के लिए गाइज मैं यहाँ पे नीरज भाई की एक वीडियो को ले ले रहा हूँ, ठीक है। और गाइज यहाँ पे मैं आप लोगों को वीडियो को दिखा देता हूँ, बिल्कुल नॉर्मल सी वीडियो है, अभी कोई भी इफेक्ट वगैरह हमने इस वीडियो के अंदर ऐड नहीं किया है, ठीक है, नॉर्मल सी वीडियो है। लेकिन अभी मैं आप लोगों को इस वीडियो के अंदर फ्लैश एंड ब्लर इफेक्ट ऐड करके बताऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले गाइज कुछ इस तरीके से ना इसका जो वाटर मार्क है हम हमेशा की तरह यहाँ से डिलीट कर देंगे, ठीक है। डिलीट करने के बाद गाइज अब आप लोगों को क्या करना है कि बीट लगाना है सबसे पहले, ठीक है। सबसे पहले तो क्या करना आप लोगों का काम रहेगा कि म्यूजिक ऐड करना, ठीक है। म्यूजिक के हिसाब से ही ना आप लोग फ्लैश लगाओगे, ठीक है, उसके बीट के हिसाब से। तो सबसे पहले गाइज आप लोगों को म्यूजिक ऐड करना है, ठीक है। तो सपोज आप लोगों के पास कोई भी म्यूजिक है, जैसे मैं यहाँ पे एक म्यूजिक को ऐड करता हूँ, यहाँ पे ऑडियो पे जाता हूँ, ठीक है, एंड यहाँ पे साउंड पे जाता हूँ, और एक म्यूजिक मेरे पास पड़ा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे। तो मैं इसको ऐड कर लेता हूँ, ठीक है, कुछ इस तरीके से। एंड गाइज इसका जो साउंड है ना, मैं सबसे पहले गाइज इसका म्यूट कर देता हूँ, बिकॉज यार कॉपीराइट आ सकता है, ठीक है, बाकी इसलिए मैं इसको म्यूट कर दे रहा हूँ। और जहाँ तक हमारा साउंड है ना वहाँ तक हम बाकी का क्लिप रखेंगे, बाकी हम ट्रिम कर देंगे कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो अब गाइज मान लो आप लोगों को अपना सॉन्ग ऐड कर दिया है आप लोगों ने, ठीक है। तो सबसे पहले आप गाइज क्या करना है कि बीट लगाना है अपनी म्यूजिक पे, ठीक है। तो बीट किस तरीके से लगाना है, बीट लगाने के लिए गाइज सिंपली से अपने वीडियो वाले लेयर पे क्लिक करना है, ठीक है। और यहाँ से गाइज मैच कट का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, सिंपल से इस मैच कट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना। और मान लो सपोज यहाँ पे आप लोगों का पहला बीट है, ठीक है, तो और दूसरा बीट मेरा मान लो यहाँ पर है, ठीक है, और तीसरा बीट है मेरा यहाँ पर है मेरा तीसरा बीट, ओके, कुछ इस तरीके से मेरा बीट है मान लो इस इन तीन जगह पे, ठीक है ना। तो आप लोग गाइज म्यूजिक सुन के लगाना, ठीक है, तब ज़्यादा अच्छे से होगा। अगर आप लोग अच्छी तरीके से बीट लगाओगे तो आप लोगों की वीडियो भी बहुत ही अच्छी एंड बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव तरीके से एडिट होगी। तो मैंने तो एग्जाम्पल के लिए बस आप लोगों को समझाने के लिए यहाँ पे बीट को कुछ इस तरीके से लगा दिया है। तो गाइज बीट लगाने के बाद सिंपल से यहाँ से मैं डन कर दूंगा, आप लोग भी कुछ इस तरीके से बीट लगाने के बाद डन कर देना। डन जैसे ही करोगे यहाँ पे देख सकते हो अपने म्यूजिक वाले लेयर पे छोटे छोटे येल्लो कलर के डॉट्स दिख रहे होंगे, ठीक है। तो अब आप लोगों को क्या करना है कि यहाँ पे इस येल्लो वाले यहाँ पे फर्स्ट वाले बीट पे आना है, ठीक है, और अपने मेन वीडियो पे क्लिक करना है, देन यहाँ से इसको स्प्लिट कर देना, ठीक है। देन आगे जाना और आप लोग सेकंड बीट के पास आना, ठीक है, एंड फिर से मेन वीडियो पे क्लिक करना है एंड इसको भी स्प्लिट कर देना। एंड लास्ट वाला जो बीट है इसके पास भी गाइज हम आके इसको भी हम क्या करेंगे गाइज मेन वीडियो क्लिप को हम कुछ इस तरीके से स्प्लिट कर देंगे, ठीक है। तो देख सकते हो गाइज हमने अच्छी तरीके से अलग अलग पार्ट में इसको ट्रिम कर दिया है। अब गाइज हमें क्या करना है कि सिंपली से अपने इस डॉट के पास आना है, मतलब अपने बीट के पास आना है, ठीक है। आने के बाद गाइज अब आप लोगों को क्या करना है कि सबसे पहले फ्लैश इफेक्ट लगाना है, ठीक है। तो फ्लैश इफेक्ट लगाने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, नीचे देख सकते हो एक एरो ऑप्शन दिखता होगा यहाँ पे, ठीक है, इस एरो पे एक बार क्लिक कर दोगे। जैसे क्लिक करोगे यहाँ पे काफी सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर गाइज आप लोगों के सामने एक इफेक्ट का एक ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा, ठीक है। तो सिंपल से इस इफेक्ट वाले ऑप्शन पे जैसे ही करोगे, ठीक है, यहाँ पे ट्रेंडिंग के ऑप्शन पे आ जाना है। जैसे यहाँ पे देख सकते हो ट्रेंडिंग ऑप्शन पे हूं मैं, तो ट्रेंडिंग ऑप्शन पे आ जाना है। नीचे जैसे ही जाओगे यहाँ पर देख सकते हो एक व्हाइट फ्लैश नाम का एक यहाँ पे इफेक्ट देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो सिंपल से इस व्हाइट फ्लैश वाले इफेक्ट को यहाँ पे अप्लाई कर देना, देन यहाँ से इसको डन कर देना। डन करने के बाद गाइज अब आप लोगों को क्या करना है कि अपने इस लेयर पे क्लिक करना, ठीक है, कुछ इस तरीके से, एंड इसको स्टार्टिंग से पकड़ना और इसको पकड़ के ना कुछ इस तरीके से पूरा पीछे ले आना, ठीक है, कुछ इस तरीके से। एंड दोनों फिंगर से गाइज इसको कुछ इस तरीके से जूम करना, जूम करने के बाद इसको लॉन्ग प्रेस करके रखना और कुछ इस तरीके से इसको अच्छी तरीके से अपने इस बीट के पास, मतलब अपने इस बीट के पास कुछ इस तरीके से सेट कर देना, ठीक है। इतना करने के बाद गाइस देख सकते हो यहाँ पे बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पे फ्लैश इफेक्ट डल गया है, ठीक है, देखने को मिल रहा है यहाँ पे, देख सकते हो ये कुछ इस तरीके से, ठीक है। इतना करने के बाद गाइस अब आप लोगों को क्या करना है,
यहाँ पे फिर से एक बार क्लिक करना है, यहाँ पे कॉपी का ऑप्शन है, सिंपल से इस कॉपी वाले ऑप्शन पे क्लिक करना और इसको गाइज कुछ इस तरीके से ना इसको इधर की तरफ ले जाना, ठीक है, अपने मतलब वो वाले बीट पे, मतलब सेकंड वाले बीट के पास कुछ इस तरीके से आप लोगों को इस इफेक्ट को ले जाना है, ठीक है, कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो इसको भी मैं कुछ इस तरीके से यहाँ पे सेट कर देता हूँ, देन फिर से इस पर क्लिक करूँगा, देन फिर से एक कॉपी लूँगा, ठीक है, और जितनी भी बीट है गाइज उतना कॉपी लेना और कुछ इस तरीके से जैसे कि यहाँ पे मैं कर रहा हूँ ना, आप लोग कुछ इसी तरीके से यहाँ पे सेट कर देना, ओके ना। तो आई होप आप समझ रहे होंगे कि मैं किस तरीके से बता रहा हूँ। तो देख सकते हो हमने फ्लैश इफेक्ट ऐड कर दिया है। अब गाइज यहाँ पर देख सकते हो फ्लैश इफेक्ट तो हमने बहुत ही अच्छी तरीके से ऐड कर दिया है, लेकिन गाइज अभी एक चीज़ का हमारा इसमें कमी है, जो अबू सलीम अपनी वीडियो के अंदर ब्लर इफेक्ट डालते हैं उसको किस तरीके से डालना है, ठीक है। तो उसके लिए गाइज आप लोगों को क्या करना है कि फिर से अपने फर्स्ट वाले लेयर पर आना है, मतलब बीट पर आना है, ठीक है, कुछ इस तरीके से, देन फिर से इस इफेक्ट ऐड ऑल इफेक्ट वाला जो ऑप्शन है ना यहाँ पर क्लिक करना गाइज, ठीक है। एंड करने के बाद गाइज यहाँ पे बेसिक का एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है, ठीक है, सिंपली सिर्फ बेसिक वाले ऑप्शन पे क्लिक जैसे ही करोगे नीचे जाओगे ना, तो यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पे देख सकते हो वीगनेट के बगल में जस्ट यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे एक ब्लर का ऑप्शन है, ठीक है, तो इस पर सिंपल से क्लिक कर देना, ठीक है। करने के बाद फिर से इसमें एक बार क्लिक करना एंड इसकी जो इंटेंसिटी है इसको आप लोग ज़्यादा नहीं 10% के आसपास रखना, देन इसको डन कर देना, ओके। देन डन करने के बाद गाइज इसको क्या करना है कि इसको भी कुछ इस तरीके से यहाँ पे जाना और इसको भी कुछ इस तरीके से फर्स्ट से पकड़ के इसको पूरा पीछे ले आना कुछ इस तरीके से, ओके। लाने के बाद गाइज इधर को पकड़ के ना हल्का सा इधर थोड़ा आगे कर देना कुछ इस तरीके से, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे मैं किया हूँ, ठीक है। देन फिर से इसको क्या करना है, इस पर क्लिक करना है, एक कॉपी लेना कुछ इस तरीके से एंड इधर की तरफ जाना कुछ इस तरीके से, ओके, जैसे कि यहाँ पे मैं कर रहा हूँ, आप लोग भी कुछ इसी तरीके से करना गाइज कुछ इस तरीके से, ठीक है ना। यहाँ पे देख सकते हो गाइज एंड समझ रहे हो कि मैं किस तरीके से बता रहा हूँ। देन इतना करने के बाद फिर से इस पर क्लिक करना, एक कॉपी लेना कुछ इस तरीके से एंड फिर से लास्ट में कुछ इस तरीके से इसको लास्ट वाले बीट पे कुछ इस तरीके से इसको सेट करना है, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे मैं किया हूँ, ठीक है। तो आई होप गाइज आप समझ गए होंगे कि हमें किस तरीके से यहाँ पे एक सब कुछ ऐड करना है। और गाइज यहाँ पर देख सकते हो अच्छी तरीके से हमने ऐड कर दिया है। अब गाइज एक बार मैं वीडियो को आप लोगों को प्ले करके दिखाता हूँ कि हमारा ब्लर एंड फ्लैश इफेक्ट किस तरीके से रेडी हुआ है हमारी वीडियो के अंदर। तो गाइज यहाँ पे मैं वीडियो को प्ले करता हूँ। आई नो आप लोगों को साउंड सुनाई नहीं देता होगा बिकॉज कॉपीराइट आ सकता है इस वीडियो पे, ठीक है। बाकी यहाँ पे आप लोग यार यहाँ पे वीडियो देखो, बहुत ही अच्छी तरीके से हमारी वीडियो के अंदर ब्लर एंड फ्लैश इफेक्ट देखने को मिल रहा है। तो आई होप गाइज आप लोग समझ गए होंगे कि इस वीडियो को किस तरीके से एडिट करना है अबू सलीम की तरह। एंड गाइज अब अगर आप लोग इस वीडियो को सेव करना चाहते हो तो सिंपली इस एरो वाले ऑप्शन पे क्लिक करना और यहां से एक्सपोर्ट कर देना। तो ये वीडियो गाइज हमारी गैलरी के अंदर ना सेव होना स्टार्ट हो जाएगी। तो आई होप गाइज ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर ना हो तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। बाकी गाइज मैं मिलता हूं किसी कमाल के ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।